हेलो फ्रेंड्स, आई एम मेघा मौर्य। आई एम न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे आपके नेम के फर्स्ट लेटर के बारे में कि उसका क्या मीनिंग होता है और उसका क्या इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि हर लेटर की एक अलग वाइब्रेशंस होती है और उसका एक अलग साउंड इफेक्ट भी होता है एंड साथ में प्लैनेटरी इफेक्ट भी होता है। अगर आपका नाम किसी भी पर्टिकुलर लेटर यानी कि ए बी सी से स्टार्ट होता है तो यह आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी को इम्पैक्ट करता है। आपके नेम का फर्स्ट लेटर आपके पर्सनालिटी, स्पेशलिटी एंड आपके लक को भी इन्फ्लुएंस करता है। फ्रेंड्स, लेटर सी जो है वह 3 को रिप्रेजेंट करता है और नंबर 3 जो है वह जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, और जुपिटर जो है वह एक्सप्रेशन, इमेजिनेशन एंड टैलेंट को रिप्रेजेंट करता है। आप लोग अट्रैक्टिव दिखते हो, फन लविंग होते हो, लाइफ को एंजॉय करते हो और इमोशनल भी होते हो, और इसीलिए आप कभी कभी हर्ट भी जल्दी हो जाते हो, क्योंकि आप इमोशनल होते हो इसलिए आपसे किसी की भी परेशानी देखी नहीं जाती है। और आप लोग हमेशा यह कोशिश करते हैं कि आपके वजह से कभी कोई हर्ट ना हो। दूसरों के फीलिंग की आप हमेशा कदर करते हो और दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते रहते हो। आप लोग क्रिएटिव भी होते हो, इजीली कोई ना कोई प्लान्स आप लाइफ में बनाते रहते हो और उसमें आपको सक्सेस भी मिलती है। फ्रेंड्स, आप फ्लुएंट स्पीकर भी होते हो और आप इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव भी होते हो, इसीलिए आपकी राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल बहुत अच्छी होती है। आप बहुत अच्छे एंटरटेनर होते हो, और स्पेशली जो गर्ल्स होती हैं उनमें अच्छे कपड़े पहनना, घूमना, सजने संवरने का बहुत शौक होता है। जिनका भी नाम सी से शुरू होता है यानी कि आप लोग माइस्टिक यानी रहस्यवादी होते हैं। कोई भी वर्क को पीसफुल करना आपको पसंद होता है और आप में बहुत पेशेंस भी होता है, इसलिए आप कोई भी सिचुएशन को हैंडल कर लेते हो। एक बात आप में बहुत अच्छी होती है कि किसी के भी द्वारा किया गया उपकार या एहसान आप कभी नहीं भूलते, और समय आने पर उनका उपकार या एहसान आप चुका देते हैं। फ्रेंड्स, आपके साथ कोई अच्छा करे तो आप उन्हें भूलते नहीं हो, और वक्त आने पर उन्हें हेल्प भी करते हो, और आपकी वजह से किसी के फेस पर स्माइल आ जाए तो आपकी लाइफ का ये सबसे स्पेशल मोमेंट होता है। सम केसेस में मनी की कमी आप लोगों को बहुत देखने मिलती है। मनी कभी कम हो या ज़्यादा हो, बट फुलफिलमेंट ऑफ विशेष आपके पूरे होते रहते हैं। आपका बोलने का जो तरीका है उससे आप महफिल की शान बन जाते हो। आप में रीजनिंग एबिलिटी यानी तर्क क्षमता बहुत गजब की होती है। आप दिखने में तो नॉर्मल पर्सन होते हैं, बट खुद के कैपेसिटी ऑफ वर्क के दम पर आप अपने से जुड़े लोगों को सरप्राइज कर देते हो। फ्रेंड्स, आप लोगों को घूमना फिरना, अच्छा खाना, अच्छी लाइफ आपके लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। छल कपट आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। अगर आप किसी से भी एक बार रिलेशन बना लेते हो तो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हो, लेकिन आपकी मॉडेस्ट्री यानी मर्यादा पर अगर किसी भी टाइप की आँच आ जाए तो आप कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हो। फ्रेंड्स, अगर किसी से भी कोई गलत काम हो जाए तो आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो और सामने वाला समझ भी नहीं पाता है। आप लक से ज़्यादा कर्म पर बिलीव करते हो और सक्सेस भी हासिल करते हो। आप जो भी वर्क करते हो उसे पूरा करके ही दम लेते हो। वादों को निभाना आप लोग जानते हैं। आपकी बात पत्थर की लकीर होती है। आपने जो कह दिया सो कह दिया, फिर आप उसी पर अड़े रहते हैं। आपका जो माइंड है वह इंट्रोवर्ट रहता है। कोई ना कोई प्लान्स आप बनाते रहते हैं, एंड ऑफ कोर्स आपको उसमें डिलीजेंस, विजनरी एंड बेस्ट प्लानर भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, आप में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। आपके पेट में कोई बात पचती नहीं है। आप जोश में आकर कुछ ऐसे वादे कर बैठते हैं जिससे आपको फाइनेंशियल लॉस देखने मिलता है, जबकि आपको अच्छे से पता होता है कि मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद भी आप सामने वाले को हाँ कर देते हैं और इससे आप सामने वालों की नज़र में बुरे बन जाते हैं। कभी कभी आपके गर्म नेचर की वजह से आपको मानसिक अशांति भी देखने को मिलती है। आप कोई भी वर्क करना स्टार्ट करते हैं तो उसे पूरी जुनून के साथ करते हैं, बट उस काम को करने में अगर आपको खुशी नहीं मिलती है तो आप उस वर्क को बंद कर देते हैं। कभी कभी मन से आप वीक भी होते हो और थोड़े थोड़े समय में आप अपनी थिंकिंग चेंज करते रहते हो। आपका मन चंचल होता है, इसीलिए पीस ऑफ माइंड कम रहता है। कुछ केसेस में आप ज़्यादा बोलने की वजह से अपने सीक्रेट्स नहीं रख पाते हैं और कभी कभी ना बोलने की बात भी बोल देते हैं। कभी कभी आप केयरलेस एंड क्रिटिकल भी हो जाते हो और दूसरों को क्रिटिसाइज करते हो। आप बहुत खर्चीले भी होते हो और सेविंग्स भी नहीं कर पाते हो, और इमोशनल होने की वजह से आप कभी कभी ऐसे प्रॉमिसेस कर लेते हो कि बाद में लेने के देने पड़ जाते हैं।
अगर आपके लव लाइफ की बात की जाए तो जिससे भी आप प्यार करते हैं या पसंद करते हैं उनके आप बेहद करीब रहते हैं, और जिससे भी आप प्यार करते हैं उन्हें कैसे खुश रखा जाए इस बात का आपको पूरा नॉलेज होता है। वैसे देखा जाए तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत हैप्पी रहती है। अब हम बात करते हैं आपके करियर्स के बारे में कि कौन से करियर्स आपके लिए बेस्ट रहेंगे या आप इन करियर्स में कुछ अच्छा कर सकते हैं, जैसे कि राइटर, डॉक्टर्स, टीचर्स, कंप्यूटर एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजी। आपके लिए जो लकी नंबर्स है वो है 2, 4, 6 एंड 8। आपके लिए जो लकी कलर्स है वो है वाइट, येलो एंड ग्रीन। आपके लिए जो लकी डेज है वो है मंडे, थर्सडे एंड सैटरडे। आपके लिए जो लकी मैरिज एज है वो है 26, 28, 29 एंड 31। आपके लिए जो लकी ईयर्स है वो है 22, 24, 27, 31 एंड 35। तो आइए अब हम फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में बात करते हैं कि लेटर सी वाले जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं वो कौन हैं। चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर बावनकुले, चरण सिंह, चेतन भगत, चित्रांगदा सिंह, चंदा कोचर, साइरस पुनावाला, चंकी पांडे, चेतना पांडे, सेलिना जेटली, चिरंजीवी, चंदन प्रभाकर, चार्ल्स डार्विन, सीवी रमन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, चैडविक बोसमैन, क्रिस प्रैट, क्रिस इवांस, क्रिस हेम्सवर्थ एंड चार्ली चैपलिन। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।